मुझे लगता है आप लोग रास्ते में देख रहे हो, बट मैं सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, मैं अभी हलवात पे हूँ, जो कि ये है गुजरात पर। तो लेट्स सी क्या होता है, आगे चलता हूँ। और पीछे मार्केट है, इधर भी जाता हूँ। हमारा ट्रेन है 10-11 बजे तक हलवा टू बांद्रा। तो सब कुछ बताता हूँ अभी, टिकट वगैरह सब कुछ हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली अभी मैं गुजरात हलवा टेक यह है, गूगल में आप लोग सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। तो इधर से हलवाट से हम जा रहे हैं मुंबई बांद्रा। हाँ, तो बांद्रा से जाकर मैं जाएगा LTT, जो कि LTT मुंबई LTT लुकमानी तिलक टर्मिनस। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे गुवाहाटी। सो लेट्स सी पूरा जर्नी में क्या होता है। फिर से मैं आ रहा हूँ अपनी शहर में, जो कि इधर मैं वीडियो सीडियो बनाने के लिए आया था। लगभग अभी घर से फ़ोन आ रहा है कि मुझे जाना ही होगा। और इधर पे मेरा सब सेटअप है, आप लोग देख सकते हैं, बैग पीछे में है। और इधर पे मैं जैकेट पहन रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रोड भी गिर रहा है इधर पे, लेकिन इधर पे अभी भी बहुत ठंडा लग रहा है। इधर से आसाम गुवाहाटी हुजाई से जिन लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे गाँव के लोग देख रहे हैं, मेरा चाहने वाले जो देख रहे हैं, तो इनको पता होगा कि गुजरात गुवाहाटी से हुजाई से गुजरात कितना दूर है। आप लोग गूगल में थोड़ा सा सर्च करके देख लीजिए। लगभग 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 हुजाई से गुवाहाटी से मुंबई LTT तक लगभग 2500 हाँ 2530 शायद ऐसा किलोमीटर होगा। तो इधर से बांद्रा से LTT से लगभग यहाँ तक गुजरात हलवाट तक मैं आपको स्टेशन का बैनर दिखाता हूँ, जो कि जगह का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ तक LTT से बांद्रा से हलवाट तक पहुँचने में लगभग 24 घंटा लग जाता है, यानी कि एक दिन पूरा लग जाता है हलवाट तक। तो इधर से मैं जर्नी पहुँच गया। अभी रात को 11:30 बजे, 11:30 नहीं, 11:45 में ट्रेन है। सो इधर जाता हूँ। तो इधर 11 बजे मैं 11:45 में ट्रेन में उठूँगा। हाँ, ये ट्रेन चलूँगा, और चलने के बाद मुंबई बांद्रा तक पहुँच जाएंगे मैं लगभग सुबह 11:30 तक पहुँच जाएगा। तो इधर से मुझे एक दिन कैरी करना पड़ेगा, इधर से कहीं पे भी रहना पड़ेगा। यार सब कुछ देखो प्लीज़, ये वीडियो पूरा देखो, मैं कैसा जर्नी फिर से घर तक पहुँचता हूँ। और आप लोगों को विश्वास नहीं करोगे मेरे पास कितना पैसा है, आप लोग विश्वास नहीं करोगे मैं अगर ये पैसा से कैसा जर्नी कट रहा हूँ इतना दूरी तक। मम्मी भी बोल रहा है पैसा तुझको दे रहा हूँ, बस जितना पैसा था खर्चा हो गया, और मैं जितना पैसा से ये जर्नी काट रहा हूँ कसम से बोल रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे ना, आप लोग देखोगे ना, तो आप लोग भी शौक हो जाओगे कि ये भाई सच है कि नहीं। तो मैं सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ और थोड़ा सा शेयर भी करता हूँ कि ऐसे मोमेंट में अगर आप भी फंस जाते हो तो कैसा करना है, खाना कैसा खाना है, और कैसा जर्नी कटना है, और कैसा क्या करना है, बहुत सवाल आ जाते हैं दिमाग में। सो मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो यहाँ पर साइन बोर्ड लगाया हुआ है हलवाट HALVAD हलवाट, मतलब गुजरात का। सो इधर का आप लोग देख सकते हैं ट्रेन स्टेशन। हाँ, तो इधर पर मैं अकेला है। अभी बज रहा है शाम, नहीं अभी बज रहा है एक मिनट देख लेते हैं, अभी बज रहा है 3:21 PM। सो मेरे पास भी घड़ी नहीं है, घड़ी भी था, वॉच भी था, ये भी कहा हो गया। तो इधर पे मैं आया था, कुछ एक दोस्त ने बुलाया था इधर पे वीडियो बनाने के लिए आया था। तो इधर पे सब पैसा खर्च हो गया, तो कैसा क्या करूँ पता नहीं है चल रहा था। तो मेरे पास था
1500 रुपया, जी हाँ दोस्तों 1500 था, बाकी सब कुछ ख़त्म, जितना भी पैसा था सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी फ़िलहाल अभी 1500 था, और 1500 में हलवाड़ से LTT हलवाड़ से बांद्रा तक मैं ट्रेन का टिकट काटा, तो ये टिकट का प्राइस है 260। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं टिकट भी दिखाऊंगा या फिर मेंशन पहले कर देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। तो देख लिया शायद आप लोग टिकट का रेंज कितना है। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा LTT से लोकमान्य तिलक नगर से गुवाहाटी तक ये ट्रेन का टिकट, देख लीजिए आप लोग। आप लोग शायद देख लिया होगा। तो यही था बस कुल मिलाकर, अभी फ़िलहाल मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ, आप लोग दिखाता हूँ आप लोगों को डायरेक्टली, एक मिनट ये देख लीजिए, मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। 500 600 700 700 रुपया है, और बाकी 10-20 रुपया ऐसा था, कुछ खा लिया इधर पे आकर, वो बहुत भूख लगा था, मैं सोचा था पैसा खर्च नहीं करूँगा, फिर भी क्या करना पड़ेगा, भूखा हो तो इधर से 2 रोटी खा लिया। बोलने में भी शर्म आ रहा है मेरे को कि ऐसा जर्नी में मतलब थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लेना, नहीं यार पैसा तो लिया था फिर भी यहाँ पर ख़त्म हो गया, क्या करें। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना, तो मैं यही कहूँगा पैसा कम खर्च करके चलना, क्योंकि आपको खाने के लिए 2 दिन आप लोग भूखा रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जहाँ आप लोग आपके गांव में पहुँच जाओगे तो यहाँ पर कोई भी किसी को भी बंदा को बोलना कि भाई मुझे 100 रुपया दे, मैं आकर दे रहा हूँ, भाई मुझे 200 रुपया दे, मैं आके दे रहा हूँ, कोई भी बंदा आप लोगों को ज़रूर देगा। तो पहले ये मतलब एकदम सेपरेट करके एक्यूरेट करके आप लोग टिकट काट लीजिए, क्योंकि आपकी मुकाम तक आपको पहुंचना है, क्योंकि इधर पे अगर मैं रहेगा, आप लोग देखिए एक बार इधर मैं आज रात को अगर रहेगा, मतलब सोचेगा कि यहाँ पर 2-3 दिन रह लेता है तो फिर पैसा होगा तो जाएगा, पैसे पहले पेट को खा लेते पैसा, भूखा हुआ हूँ तो मैं भी भूखा हुआ हूँ, फिर भी मैं टिकट के लिए पैसा सब खर्च हो चुका है, फिर भी क्या करे भैया, है ना, क्या करे। इसलिए मैं कंफर्म भी टिकट नहीं हुआ था LTT से गुवाहाटी तक, फिर भी मैं ऐसा जर्नी काट रहा हूँ। तो आप लोग अगर ऐसा हाल पे आप लोग भी फंस जाते हो तो आप लोग बिना पैसा खर्च करे हुए टिकट में लगाओ और सही दिशा तक पहुँचो, सही मिशन तक पहुँचो जहाँ आप लोगों को पहुँचना है। मैं बस आप लोगों को बोल दिया, बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड देखिए, नेक्स्ट वीडियो देखिए, एक वीडियो में कवर नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारा बातें, बहुत सारा जर्नी है, और 10 बजे तक मैं इधर पे क्या करने वाला हूँ, मतलब 11:45 में ट्रेन आएगा, इतना समय मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, सब इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए, और 1 घंटा के बाद फिर से और एक वीडियो अपलोड होने वाला है, और जल्दी से देखिए। और अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए भाई, क्योंकि अगर कोई मुझे हेल्प करने वाला बंदा हुजाई में अगर शायद कोई है तो मुझे प्लीज़ हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं हुजाई गुवाहाटी तक तो आ जाऊंगा, लेकिन गुवाहाटी से हुजाई तक कैसे आऊँगा यही मैं सोचता हूँ और बैठ जाता हूँ। इतना समय से बैठ रहा था, खाने के लिए अभी नहीं खाया, 20 रुपया से उधर से वो क्या बोलता है, इधर का रोटी बूटी भी नहीं है, हाँ इधर से खाया, क्या बोलते हैं इसको, खाया। तो यार गाइस नेक्स्ट एपिसोड देखिए, इस वीडियो में कवर नहीं होने वाला, एडिट करूँगा और छोड़ दूँगा, और 1.5 घंटे के बाद फिर से मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ।